To keep your brain fit and active, logically solve one puzzle every day. आज के सेशन में मैं एवं पटेल आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल के दो भाग हैं। पहला भाग देख ले। एक गांव में 8 आदमियों में से एक और 7 औरतों में से एक हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। आदमियों और औरतों की टोटल संख्या 75 है। तो कितने आदमी हैं और कितनी औरतें हैं? इस तरह की पजल हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। इनफैक्ट इससे कॉम्प्लिकेटेड पजल हम सॉल्व कर चुके हैं। देखते हैं इस पजल का लॉजिकल सॉल्यूशन। आदमियों की संख्या होनी चाहिए मल्टीपल ऑफ 8। पॉसिबल नंबर्स होंगे 8 की टेबल के 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72। उसी तरह से औरतों की संख्या होगी 7 की मल्टीपल, 7 की टेबल 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 and 70। अब दोनों पॉसिबिलिटीज में एक एक संख्या लेनी है ताकि उनका जोड़ हो, उनका सम हो 75 और आंसर हमें मिलता है 40 + 35। देर आर 40 मैन एंड 35 वीमेन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट टू। एक क्लास में 6 में से एक लड़का और 5 में से एक लड़की हैंडीकैप्ड है। आगे बताया गया है कि लड़कों की संख्या क्लास में और लड़कियों की संख्या दोनों बराबर है। अब हमें बताना है कि उस क्लास में इस कंडीशन को मीट करने के लिए मिनिमम कम से कम कितने स्टूडेंट्स हैं और उनका ब्रेकअप क्या है। कितने स्टूडेंट्स हैं, लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। पहले बात की तरह लड़कों की संख्या 6 की मल्टीपल होगी। पॉसिबल नंबर्स हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। उसी तरह से लड़कियों की संख्या होगी 5 की मल्टीपल। पॉसिबल नंबर्स हैं 5 की टेबल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। और दोनों में कॉमन नंबर क्या है? क्योंकि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या समान है, कॉमन है 30। इसलिए क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, 30 लड़के 30 लड़कियां। यहां पर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैं दे दूं। इस सम को हम और जल्दी सॉल्व कर सकते थे बिना इस प्रोसेस को फॉलो किए, क्योंकि कंडीशन था दोनों की संख्या बराबर। इसलिए यदि 6 और 5 का एलसीएम निकाल लेते थे तो हमें उत्तर मिल जाता था। 6 और 5 का एलसीएम है 30। इसलिए लड़कों की संख्या 30 और लड़कियों की संख्या 30, टोटल 60। 501 पजल की इस यात्रा में इसी तरह अपनी विचार शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते हम आगे बढ़ेंगे। अगली पजल में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।